नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। खानपुर थाना पुलिस को बीते देर शाम बड़ी सफलता मिली। उसने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में गांजे के साथ ही बाइक भी बरामद किया। थाना प्रभारी निरीक्षक पन्ने लाल ने बताया कि सोमवार की देर शाम करीब 6:30 बजे पुलिस कर्मियों के साथ सिधौना बस स्टैंड के वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पास आने पर उन्हें रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 18 किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम जौनपुर जिला के मड़ियाहू थाना के पिपरा निवासी कृष्ण कुमार और इसी थाना क्षेत्र के औरेला निवासी अनिल कुमार बताया। एसओ ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि लंबे समय से तस्करी के कार्य में लिप्त थे। संबंधित धाराओं में चालान कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल रामाश्रय प्रजापति, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, कांस्टेबल शमशेर सिंह और कांस्टेबल अजय सिंह शामिल थे। गहमर थाना क्षेत्र के करहिया गांव में स्थित ईट भट्टा के पास सोमवार की रात तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर खाई में चली गई। इस दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार सासाराम बिहार नासरीनगंज निवासी राजेंद्र प्रसाद, मुकेश पांडे, कांति देवी एवं विक्रम शाह जौनपुर जा रहे थे। इसी दौरान रात में करीब 11 बजे गहमर थाना क्षेत्र के करहिया गांव में स्थित ईट भट्टे के पास तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में चली गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। वैन में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला गया और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CHC भदौरा लाई और दुर्घटना की जानकारी घायलों के परिजनों को दी। 2 की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मोहम्मदाबाद विकास खंड के आबादान उर्फ बैरान गांव में विकास कार्यों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लालजी यादव, झारखंडे राय, राधेश्याम सिकंदर, अच्छे लाल चौरसिया, बेचन यादव आदि ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की अगुवाई में गठित जांच टीम ने गांव में जाकर विकास कार्यों में हुई गड़बड़ी की जांच की। जिलाधिकारी के आदेश पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने शिकायत पत्र में दिए गए बिंदुओं का स्थलीय निरीक्षण कर लोगों का बयान भी लिया। कहा कि वे अपनी जांच रिपोर्ट शीघ्र जिलाधिकारी को सौंप देंगे। इस मौके पर प्रधान ओम प्रकाश, ग्राम पंचायत अधिकारी रवि प्रकाश उपाध्याय, शिकायतकर्ता लालजी यादव सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बिजली के निजीकरण के विरोध में मंगलवार को भी पूरे जिले में उपखंड स्तर पर 9 स्थानों पर शाम 4 से 5 बजे तक विरोध सभा आयोजित की गई। अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर विरोध में जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि ऊर्जा निगमों का शीर्ष प्रबंधन पूरी तरह से विफल हो गया है। अपनी विफलता छिपाने के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण थोपा जा रहा है। कहा कि ऊर्जा निगमों का प्रबंधन बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं को हड़ताल के रास्ते पर धकेल रहा है। इस मौके पर जिला सह संयोजक संतोष मौर्य, अधिशासी अभियंता महेश मिश्रा, सहायक अभियंता विजय यादव, शत्रुघ्न यादव, अमित कुमार, अभिषेक राय, मिठाईलाल सुरेश, सत्यनारायण चौरसिया, अवर अभियंता संतोष मौर्य, इंद्रजीत पटेल, अविनाश सिंह, पंकज जायसवाल, रोहित कुमार, तपस कुमार आदि उपस्थित रहे। वाराणसी पड़ाव स्थित आश्रम के अघोरेश्वर भगवान राम का सृजन संस्था श्री सर्वेश्वरी समूह का 59वां स्थापना दिवस गिरनार आश्रम दिलदार नगर पर मनाया गया। क्षेत्र दिलदार नगर के संस्थापक मोहम्मद दीनदार खां रह की मजार स्थल तथा अल दीनदार शमसी म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दीनदार खां कोर्ट, मुख्य जामा मस्जिद दिलदार नगर गांव तथा बाजार के मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारा, थाना आदि लगभग 30 धार्मिक स्थानों पर झाड़ू, अगरबत्ती, माचिस, साबुन तथा मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर अल दीनदार शमसी म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के निदेशक कुंवर मोहम्मद नसीम रजा खान ने कहा कि संस्था ने भारतीय संस्कृति की गंगा जमुनी पहचान तथा स्वच्छ भारत कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है। हम सभी वर्ग एवं सर्व समाज के लोग संस्था के ऋणी एवं आभारी रहेंगे।